चलो भाई। एनिमी स्पॉटेड। आओ सालू। भाग दिया। चलो तो जैन मेरे चाहने वाले हो, कैसे हो सर? सब बढ़िया, आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है फिर से स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड के एक अनदर गेम प्ले के साथ। ठीक है। और इस गेम प्ले में बहुत सारे किले होते हैं और इस जगह पे सिर्फ मैं और एक घोंचू उतरा होता है। इन दोनों में से हम में से कोई एक बंदा मरेगा क्योंकि दोनों जगह में हमारी मुलाकात तो होगी ऐसा तय था और लगभग होती ही है, जैसे कि ये देखो। तो चलो बेटा, हम दोनों की मुलाकात में सिर्फ इसी की मौत होती है क्योंकि मैं तो अमर हूँ, अमर हर जन्म के लिए। और मैं ब्लू जोन में इसलिए नहीं उतरता गाइस क्योंकि ब्लू जोन में बंदे ही नहीं आते, मतलब आते हैं बट मुझे डर लगता कहीं मार वार ना दे। और शुरू में उतरते ही अगर मेरे को मार दिए तो बेइज्जती हो जाएगी और मुझे ऐसी बेइज्जती करवाने का कोई शौक नहीं। बोलते हो अच्छे बब्ले। तो खैर यहाँ पे टोकन वगैरह लूटता हूँ और तभी देखता हूँ कि कोई बंदा मेरे एक टीममेट्स को फिनिश कर देता है। तो खैर ऑब्वियस सी बात है, इसको रिवाइव करने की जिम्मेदारी हमारी ही होती है, हमारी नहीं पूरे स्क्वाड में मेरी ही होती है क्योंकि मैं यही काम करते रहता हूँ। बंदे वंदे नहीं मिलते तो अपने ही बंदे को बार बार रिवाइव करता हूँ। तो खैर उसको रिवाइव करके मैं चल देता हूँ आगे की ओर जहाँ ब्लू जोन की तरफ कुछ बंदे आए हुए थे। खैर गलती से मैं आगे की ओर उतर गया था क्योंकि मेरे उतरने की जो क्षमता थी वो ब्लू जोन में थी, बट अनफॉर्चुनेटली। लेकिन यहाँ पे आता हूँ तो बंदों को घात लगा के देखता हूँ बट एक भी बंदा नहीं दिखा देता, तो समझ जाता हूँ पक्का कोई ना कोई कैंपिंग कर रहा होगा या किसी न किसी टीममेट्स को रिवाइव कर रहा होगा। शर्म करो, भगवान से डरो, भगवान से डरो। तो चल देता हूँ आगे की ओर क्योंकि शॉर्ट रेंज में फाइट करने का मजा ही अलग है, लॉन्ग रेंज में बंदे मुझे आसानी से पेल के चले जाते हैं। काफी देर इंतजार करने के बाद एक बंदा यहाँ पे उतरता है। एक तो बंदे जैसे उतरते हैं उनको मारने का सुकून ही अलग रहता है, लेकिन मारने के बाद पछतावा भी होता है कि कहां से मार दिए। जैसे इसको जैसे ही मारा तो इसका टीममेट सामने की तरफ से होकर मेरे को डैमेज देने का प्रयास कर रहा था। एक आध दो बार तो एम उसके हिट से लग के बच गया पर मुझे तो समझ में नहीं आया कि ये मरा क्यों नहीं। बाद में समझ में आया कि शायद ग्रेनस इसके थोड़े बहुत कॉन्टैक्ट होंगे, तो मैं ठान लिया था कि इसके कॉन्टैक्ट तो तोड़ के रहूँगा चाहे जैसे भी हो जाए। तो वहाँ से घात न लगने पर मैं आ जाता हूँ आगे की तरफ क्योंकि आसपास फाइट करने का मज़ा अलग होता है। यहाँ पे आकर चोरी चोरी देखता हूँ लेकिन वो दिखाई नहीं देता। तब मुझे समझ में आता हो ना हो ये भी कुछ तगड़ा वाला बंदा है और मुझे मार सकने की क्षमता रखता है। इसके मूवमेंट वगैरह देख के लग रहा था ये प्रो बंदा है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि वो मुझे डैमेज देता है, लेकिन मैं उसको ज़्यादा सीरियस में नहीं लेता। सोचता हूँ ऐसे बोट वगैरह होगा, गलती से डैमेज दे दिया होगा। ये मेरी सबसे बड़ी गलती होती है और इसी की वजह से मैं पिला जाता हूँ। इसको मार तो देता आसानी से बट क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली मेरा एम ज़्यादा ऊपर चला गया, मतलब हेड मारने के चक्कर में कभी कभी हमारे हेड लग जाते हैं। अच्छा बात नहीं है। तो खैर इसको दुख वाली कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरा टीममेट्स मुझे रिवाइव कर देता है। और रिवाइव करते ही सामने की तरफ दो तीन बंदे देखता हूँ तो थोड़ा बहुत तो डर लगता है, मतलब थोड़ा बहुत ही, बट सामने मुझे M4A1 ट्रिपल लेवल का चिप वाला गन मिल जाता है। तो खैर अब आओ इनसे इसकी खलरिया उधेड़ते हैं। और इसको जैसे फिनिश करता हूँ तभी मेरे से यहाँ पे हो जाती है भयंकर गलती क्योंकि मेरा फोकस सामने वाले बंदे की तरफ था और तभी एक घोचूरस करके मुझे मार देता है। अरे खतरनाक लोग हैं। तो खैर कोई ना, हमेशा की तरह हमारे अच्छे प्यारे टीममेट्स के द्वारा मैं रिवाइव हो जाता हूँ और रिवाइव होते ही किसी सेफ जगह उतरता हूँ
क्योंकि लूट की भारी कमी के कारण बार बार मरना अच्छी बात नहीं होती। और यहाँ पे मैं भारी भयंकर लूट करके सोचता हूँ आगे की तरफ जाऊँगा तो बंदे को मारने में आसानियत होगी। और लगभग ऐसा लगभग होता ही है, क्योंकि अगर लूट आधी रहती है सामने वाले बंदा मार देता है तो बहुत दुख होता है गाइस। तो फिर वाईफाई क्यों लगाया? तो मैं रिवाइव होके आ जाता हूँ लूट वगैरह करके और अपने टीममेट्स को भी रिवाइव कर देता हूँ। लेकिन जैसे आगे जाता हूँ फिर मेरा टीममेट्स डाउन हो जाता है। तो खैर यहाँ पे एक बंदा जो है पीछे से हमला करता है। तो चलो बेटा और इसको एसकेएस का वन टैप मार के जो मेरी कॉन्फिडेंस में बढ़ावा होता है वो चरम सीमा पर होता है। जैसे इसको वन टैप मारता हूँ तो मुझे लगता है मैं आसानी से भुजिया कर लूँगा और लगभग कर ही लेता हूँ, क्योंकि तो तुम्हें वीडियो के लास्ट में ही पता चलेगा। तो यहाँ से उठाता हूँ गन और चल देता हूँ आगे जोन की तरफ और मेडिकेट वगैरह मार के सामने वाले बंदों का वेट करता हूँ, क्योंकि तुम लोग इसमें देख ही सकते हो कितने सारे रेड डॉट आ रहे थे। तभी सामने दिखाई देता है घोचू। और जैसे इस घोचू को डाउन करता हूँ तो बाकी बंदों का भी वेट करता हूँ, परंतु कोई दिखाई नहीं देता। पता नहीं सबके सब कहाँ दफन हो जाते हैं। तब मुझे समझ में आता कोई ना कोई तो होगा अगर मैं शॉर्ट रेंज में गया तो, और होता भी है। तो चलो बेटा इस महान प्रो प्लेयर को फिनिश करके इसका लूट वगैरह करके जैसे ही आगे जाता हूँ तो इसका टीममेट दिखाई देता है। और गुलबल लगाने वगैरह के टेक्निक से तो बंदा प्रो लग रहा था। खैर इसके एक टीममेट्स को तो मैं डाउन कर देता हूँ बट ये बेचारा बच जाता है। और इसके प्रो वाले स्किल देखकर समझ गया था अगर मैं गलती से जोन में फंस गया तो मुझे आसानी से मार देगा, और मुझे ऐसी गलती करना नहीं है। तो मैं आ जाता हूँ जोन पर और तभी मिलता है ये सामने की तरफ घोचू। कहते हैं ना, जब ग्रेना चाहता है कि तुमको कोई ना मार सके तो मतलब तुम अमर ही हो जाते हो। उसकी किस्मत देखो, किस्मत तो मेरी देखो। अगर गलती से जोन उसको ना काटता तो एक गोली जहां भरता तो मैं यहां पे दोबारा ही फिनिश हो जाता। थैंक्स। खैर किस्मत अच्छी थी मेरी, शायद भैया मेरे हाथ में लिखा था। तभी मेरी नज़र जाती है मैप में और एक बंदा जो कि लास्ट जोन में अपने टीममेट्स को रिवाइव कर रहा था। अभी सामने की तरफ दो घोचुआ रहे थे, उनमें से एक को डाउन करके फिनिश तो कर देता हूँ बट एक बहुत ही चालाक था, वो कवर में हो जाता है और निकलने का नाम ही नहीं लेता। तभी आगे जाके देखता हूँ तो कोई बंदा मेरे टीममेट को फिनिश कर देता है और देखता हूँ कि हम सिर्फ 5 बंदे हैं तो समझ में आ जाता है 3 तो हम हैं, सामने की तरफ 2 बंदे हैं और दोनों अलग अलग स्क्वाड के हैं। तभी मिलता है एक तीसरा बंदा तो उसको तो फिनिश करके रहूँगा। उसको फिनिश करने की खुशी थी बट डर इस बार का भी था कि लास्ट वाला बंदा कहीं मेरे टीममेट्स ना मार दे, वरना लास्ट वाला किल को मारने का जो खुशी है, जो सुकून है, जो आनंद है वो मैं नहीं ले पाऊंगा। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। लेकिन शायद ग्रेना का सपोर्ट मेरे ही साथ था, वो घोचू मुझे दिखाई देता है। तो चलो बड़ा आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है।